कैसे चल रहे आप लोगों की नवरात्रि? मुझे दोस्तों, मैंने देखा कि जैसे ऑनलाइन है या जो भी मीडिया वाले लोग हैं, इस तरह से जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज आते हैं या फिल्म्स होते हैं, उनको देखने का जैसे कोई कंपटीशन सा चल पड़ा हो कि जितने ज़्यादा हो सके उतना देखें। मुझे लगता है कि ये गलत है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी कुछ जो भी देखा है इनमें से, बहुत ही एक तरह से ये जो इस तरह का कंटेंट होता है, चाहे आप फिल्मों को ही ले लीजिए, ये आपको सिर्फ एंटरटेन करता है, ये आपको सही मायने में एंगेज नहीं करता। अगर इमोशनली एंगेज हो सकता है करे, मगर वो इमोशंस भी बहुत ही ज़्यादा तुच्छ किस्म के इमोशंस होते हैं, वो सेंसेशनलिज्म या सेक्सुअलिटी पे ही बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, उसका क्या फ्यूचर क्या है उस तरह के एंगेजमेंट का या उस तरह की एंटरटेनमेंट का जो असली एंगेजमेंट आपको देता है, चाहे वो इमोशंस भी अच्छे होने चाहिए, जैसे भक्ति रस हो गया या प्रेम रस हो गया, ये इस तरह के इमोशंस आपको खड्डे में डाल देंगे, ये तो आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो किताबें होती हैं, किताबें जो हैं वो एक तरह से आपको एंगेजमेंट देती है, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट देती है, इमोशनल तो देती ही है, मगर साथ में अगर आप सही किताबें चुने तो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट भी दे सकती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बुक्स पढ़ के अपना ये वक्त जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो मैं कुछ बुक्स रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपने एजुकेशन किया, उसके बाद मैंने खुद को खुद एजुकेट किया है। अगर मैंने अपने आप को किताबों का सहारा ना लिया होता तो शायद मैं आज जो हूँ वो नहीं बन पाती। तो दोस्तों, मैं कुछ किताबों का आपको नाम बताऊंगी जो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मुझे लगता है जैसे काइट रनर टाइप बुक हो गई, या नोटबुक पे बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, लेकिन बुक फिल्म से ज़्यादा बेहतर है। और लोगों को लगता है कि एल्केमिस्ट या फाउंटेन हेड बिगनर्स के लिए है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ऑन द सर्फेस दे मे लुक लाइक कि बहुत ही बेसिक मतलब समझी जा सकती हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो बहुत ही इंटेंस लेयर्ड बुक्स हैं। उनको तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं तो ये वक्त आप फिर से उसको पढ़े। मैं उन्हें जितनी बार पढ़ती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया उनमें उनसे हासिल होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी बिगनिंग करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की राजा योगा बहुत अच्छी है, और उसके साथ में सद्गुरु ने जो लिखी है इन इंजीनियरिंग इज़ वेरी गुड। और अगर आपको साइकोलॉजी की बुक्स अच्छी लगती हैं तो फ्रॉयड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बहुत अच्छी है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको फिल्मों में रुचि है, तो डेविड लिंच की एक बुक है।